मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुंबई में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है क्राइम ब्रांच ने। मुंबई क्राइम ब्रांच ने नौकरी के नाम पर महिलाओं को सेक्स रैकेट में फंसाने के मामले का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, इंदौर की 3 महिलाएं नौकरी के लिए मुंबई आई थी। उन्हें एक इवेंट कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन बाद में उन्हें देह व्यापार करने के लिए मजबूर कर दिया गया। दहिसर क्राइम ब्रांच ने इन 3 महिलाओं को एक ट्रैप के बाद रेस्क्यू कराया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको इस केस की पूरी कहानी बताता हूँ। रेस्क्यू कराई गई 3 महिलाओं में 2 सगी बहनें हैं, जबकि 3री महिला दोनों बहनों के एक गांव की है। तीनों को उनके पति प्रताड़ित करते थे, यानी जब पति परेशान करता था, दारू पीकर आता था, तो ये तीनों परेशान हो चुकी थी। इसलिए वो पति से अलग हो गई और काम के सिलसिले में कुछ महीने पहले मुंबई आ गई। उन्हें कुछ लोगों के जरिए तथा कथित तौर पर एक इवेंट कंपनी से जुड़े नीलेश पाटिल का पता चला। उन्होंने उससे संपर्क किया। छोटे से इंटरव्यू के बाद तीनों को नौकरी भी मिल गई। उन्हें अलग अलग जगह पर इवेंट के बहाने भेजा जाने लगा। बाद में नीलेश पाटिल ने इन 3 महिलाओं के फोटो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया। ग्राहक इन महिलाओं में किसी एक की फोटो सिलेक्ट करते थे और बाद में नीलेश उस लड़की को कहता था, यानी उस महिला को कहता था, तुम्हें आज यहाँ एक शो में या इस होटल में या उस होटल में जाना है। होटल का कमरा ग्राहक ही बुक करते थे। नीलेश का ड्राइवर नरेंद्र देवड़े लड़की को लेकर, यानी उस महिला को लेकर उस होटल ले जाता था। नीलेश को बदले में ग्राहक से 15,000 रुपए मिलते थे। जब डीसीपी राज तिलक रोशन को इस सेक्स रैकेट का पता चला, तो उन्होंने दहिसर क्राइम ब्रांच जांच करने को कहा। एक फर्जी ग्राहक तैयार किया गया, यानी पुलिस ने एक फर्जी ग्राहक बनाया और नीलेश पाटिल से संपर्क किया। जैसे ही फर्जी ग्राहक नीलेश से मिलने गया, इंस्पेक्टर विलास भोसले, दिलीप तेजरंकर और एपीआई विजय रास्कर की टीम ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया। आपको बता दें, पुलिस ने जब नकली ग्राहक बनाया और जैसे ग्राहक जाते हैं उसी तरह नीलेश से संपर्क किया, फिर पुलिस को ये पूरी सारी कहानी समझ में आई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी लोगों को हिरासत में लिया और इन महिलाओं का भी रेस्क्यू कर लिया गया। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको बता दें, वसई विरार, जो मुंबई से सटा वसई विरार इलाका है, यहां पर भी एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन ये खबर हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार, और हमारी ये खबर आप कहां से, किस क्षेत्र से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।